जानेंगे नेटवर्क में लोगों से कैसे बात करें। आप हैं दर्शन ग्रुप के साथ, वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक समय से पहुंचे। जब भी कोई काम करने की सोचेंगे, ठीक है जी जी जी, तो उसके बारे में एक बार आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। बिना उसके बारे में जाने समझे आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। और जी जी जी, अगर आपने गलत लोगों से ओपिनियन ले लिया, ठीक है, हाँ, तो वो आपको पहले ही करने से पहले ही आपको मना कर देंगे। तो ये भी ख्याल रखना है कि हम कैसे लोगों से संपर्क में रहें, कैसे बात करें, ठीक है। ओके ओके, देखिए मैं बात करूंगा क्योंकि आप नेटवर्क इंडस्ट्री को नहीं जानते हैं, आपने कभी उसके बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो मैं बात करूंगा बेसिकली कि नेटवर्क इंडस्ट्री है क्या और क्यों करना चाहिए, ठीक है जी। तो नेटवर्क के बारे में मैं आपको सीधे बता दूं कि चाहे आप किसी भी बड़ी कंपनी को आप अगर देखेंगे तो वो उसका जो मालिक होता है, ठीक है, चाहे वो रतन टाटा हो या धीरू भाई अंबानी हो या आप जो है सहारा श्री सुब्रत राय हो, ठीक है, ये आज करोड़पति हैं, पैसा वाले हैं, तो इन्होंने टाइम मैनेजमेंट पे काम किया है, ठीक है, क्योंकि जो लोग टाइम पे काम करते हैं सर वो रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, ठीक है, जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं वो वर्किंग में आते हैं, वो वर्कर होते हैं, ठीक है। तो हमको इस चीज को, इस थिंकिंग को समझना होगा क्योंकि किसी भी स्कूल में इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे बात किया कि अगर आप 8 घंटा जॉब करते हैं, मेहनत करके आपने पढ़ाई किया है, अपने स्किल को डेवलप किया है और आज आप जो है एक कंपनी में सीए हैं, ठीक है, तो 22 से 23 साल आपने लगाया है इस पोस्ट को लेने के लिए, ठीक है, और अगर आज आप चाहें कि मैं किसी कारण से अपना ये पोस्ट बदल दूं तो संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, 1% लोग ही कर पाएंगे कि चलो अब सीए में पैसा नहीं है हम डॉक्टर बन जाते हैं, संभव नहीं है सर, बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका स्किल भी जीरो हो जाता है। कैसे, सपोज कीजिए कि आज आप सीए हैं और किसी कारण से आपका माइंड जो है वो काम करना कम कर दे या बंद कर दे, बंद कर भाई, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, तो उस कंडीशन में आप मुझे बताइए कि आपका घर का ही बंदा आपसे काम कराएगा, ठीक है नहीं। अगर आप एक डॉक्टर हैं और आपका ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए आप लेते हैं और किसी कारण से आपका हाथ कांपने लगे, तो अगर आप आपके फादर ही आपसे ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, सही बात, समझ रहे हैं, तो आपका वहां पे स्किल क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो दुर्घटनाएं कभी हो सकती हैं, स्किल कभी भी जीरो हो सकता है, लेकिन एक एक जगह ऐसा भी है जहां आपके स्किल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो बिजनेस है मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ओके ओके, MLM। यहाँ पे आप जो भी स्किल डेवलप करते हैं, जो भी अपना टाइम बनाते हैं, जो भी अपना पैसा बनाते हैं, वो मल्टीपल होते रहता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक आदमी के स्किल पे काम नहीं होता है। जैसे मेरा प्रोफेशन आपने नहीं पूछा, मैंने आपका प्रोफेशन नहीं पूछा, ठीक है, लेकिन हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग अलग अलग कल्चर से लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और वो जगह है मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM, ठीक है, MLM, ठीक है, मल्टी लेवल। और आज भारत सरकार जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग को एक गाइडलाइन भी तैयार कर दिया है कि इस गाइडलाइन के हिसाब से ही मल्टी लेवल मार्केटिंग आप कर पाएंगे, ठीक है, तो उसमें इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, उसके द्वारा आपको गाइडलाइन दिया जाता है, जो कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है, उसी कंपनी में आप अपना काम करिए, नहीं तो आप कहीं इधर उधर फंस सकते हैं, ठीक है, वैसे भी इंडिया में फ्रॉड की चीजें ज्यादा होती हैं, तो इस चीज का हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमको जहां भी काम करना है लीगल तरीके से, लीगल वे में काम करना है, ठीक है। अब मैं चर्चा करूंगा नेटवर्क के बारे में। मैंने आपसे कहा कि आप 8 घंटा काम करते हैं और उसके बदले में आपको 1000 रुपए की इनकम आती है,
अब आप सर जी, आपको 2000 रुपए की जरूरत है तो आपने 16 घंटा काम करना शुरू कर दिया। हाँ हाँ संभव है, 16 घंटा कर सकते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन एक महीना मिनिमम हो 15 दिन। हाँ लेकिन सर अब आपका 2000 से भी काम नहीं चलता है, अब आपको 3000 रुपए की जरूरत है, तो क्या आप 24 घंटा काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मतलब ये फार्मूला फेल हो गया। ठीक है, और यही कारण है कि हम लाइफ टाइम एक वर्किंग करके और मरते रह जाते हैं और उतना पैसा कभी नहीं बना पाते हैं क्योंकि हम सिद्धांत को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। दुनिया एक सिद्धांत पे काम करती है, किसी भी चीज का एक फार्मूला होता है, फार्मूले पे काम करती है। ठीक है, तो नेटवर्क इंडस्ट्री भी सर एक फार्मूले पे काम करती है। ये जो जितने लोग अमीर हैं ये लोग एक फार्मूले पे काम करते हैं, और फार्मूला क्या है? टाइम मल्टीपल करना। ठीक है, अब सपोज कीजिए आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं, आज आपने मेरे साथ काम शुरू किया। ठीक है, और कंपनी के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि कौन सी कंपनी, पहले तो ये जानिए कि नेटवर्क क्यों करना है। तो आज आपने काम शुरू किया, आज आप सिर्फ हम और आप बात कर रहे हैं, आज आपने 2 घंटा मुझको समय दिया, और कल यही 2 घंटा आपने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ दिया जिसको आप जानते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति को आपने अपने साथ बैठ के उसको फोन पे कैसे भी करके उसको आपने मुझसे कांटेक्ट कराया, फोन से बात हुई, हम एक दूसरे के एक टॉपिक पे बात की और फिर काम को आगे बढ़ाया। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके लिए भी 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, धीरे धीरे आपके साथ भी बहुत सारे लोग आ गए। ठीक है, और वो सारे लोग अब 2-2 घंटे काम कर रहे हैं, 2-2 घंटे। तो आपके लिए अगर मान लीजिए 100 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं 2-2 घंटे, तो आपके लिए एक दिन में 200 घंटे काम हो रहे हैं और 2 घंटा आप खुद कर रहे हैं। तो आपने 202 घंटा काम हो गया आपके एक दिन में। ठीक है, मुझको बताइए सर, क्या आपको लगता था कि आप जिंदगी भर नौकरी करके कभी अपने लिए 202 घंटा काम कर पाते आप, या 1000 घंटा काम कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि आप जब किसी दूसरे के लिए नौकरी कर रहे हैं तो वो करोड़पति बन रहा है, वो अमीर बन रहा है। आपके बच्चे, आपके अपने परिवार के बारे में आपने कभी सोचा नहीं। ठीक है, तो पहले हमको इस, ये जो हमारा लाइफ में जो ताला है, जो जो हमको जकड़ रखा है, इसको तोड़ना है। इस टाइम से हमको आजादी चाहिए। जब हम टाइम से आजादी होंगे तो हमारे पास बहुत पैसा होगा, बहुत मनी होगा। ठीक है, तो आपको नेटवर्क में, ये जानिए, नेटवर्क में आपको टाइम मनी सिक्योरिटी मिलती है। कैसे? पहली चीज तो आपके लिए जब बहुत सारे लोग आएंगे तो आपके लिए टाइम बहुत हो गया। अब मैं गोरखपुर में हूँ, कोई दिल्ली में है, कोई लखनऊ में है, कोई आगरा में है, कोई कानपुर में है, कोई मथुरा में है, अलग अलग जिले में लोग काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, और उससे आपको पैसा जा रहा है। ठीक है, अलग अलग शहर में, जैसे अभी आप गुजरात में हो, आप कुछ कर रहे हो, मुझको पैसा आ रहा है, तो आपने मेरे लिए काम करना शुरू कर दिया है। यही प्रक्रिया आपको लोगों के द्वारा करना है। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। अब आइए हम बात करते हैं सिक्योरिटी कैसे मिलती है। ठीक है सर जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने कहा आपको कि मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा कुछ चीजें ना करने के, तो आपने कहा मेरे लिए कम है, चलिए मैं 20 कर दूंगा। आपने कहा 20 कम लग रहा है मुझे, थोड़ा और चाहिए, मतलब 30 तक आपको अगर दिया जाए तो आप अपने घर में रह के कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं करने के लिए अगर मैं दूं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ घर में रहना है, उसके लिए मैं आपको 30,000 रुपये दूंगा, तो एक अच्छा इनकम है सर। लेकिन मैं जो आपको मना कर रहा हूँ वो चीजें आपको नहीं करनी है, बाकी सब कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है, टीवी देखिए, कुछ भी करिए, लेकिन जो मना कर रहा हूँ वो चीजें नहीं करनी है। अब मैं क्या मना कर रहा हूँ? सुबह उठ के आपको ब्रश नहीं करना है। कर पाएंगे सर? ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ सर, 30,000 रुपये पर मंथ। नहाना नहीं है आपको। ठीक है, साफ कपड़े नहीं पहनने,
जूता पॉलिश नहीं करना है, सेविंग नहीं करना है सर। हाँ सर, हाँ मैं अगर 30,000 दूं आप ये काम को बंद करेंगे? नहीं बंद नहीं करेंगे, कंपल्सरी चालू रखेंगे। नहीं सर, मैं आपको 10 और बढ़ा देता हूँ, 40,000 रुपये पर मंथ दूंगा। क्या इस काम को बंद करेंगे आप? ये तो मिनिमम है कि ये काम हमारा शरीर का है, हम करेंगे खुद। मतलब सर यहाँ पैसे का आपका कोई मतलब ही नहीं है? नहीं, आपके कहने का मतलब है अगर मैं आपको 1,00,000 भी दूँ तब भी आप ब्रश करेंगे ही करेंगे, मानेंगे नहीं? करेंगे नहीं, मानने वाला तो नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जरूरत है, आपकी नीड है, इसको करना ही करना है। अब सर ये सिंपल सा चीज है, लेकिन हम लोग एक लॉजिक के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि आज तक ये चीजें समझ में नहीं आई कि चाहे आप कुछ भी करो लेकिन अपने खर्चे को रोक नहीं सकते हो। हाँ, और आज तक आप सोचिए कि आज यही करते करते आप जो भी आपकी उम्र है 35 साल, 40 साल, 38 साल जो भी है सर, इतने साल में आपने यही किया ना मार्केट से पैसा कमा के भाई? सर जो भी पैसा आप मार्केट से या आपके फादर कमाए, उस पैसे से आपने, उस पैसे से क्या किया? साबुन तेल, नून तेल, मसाला तेल, दाल चावल, जो भी चीजें था वो मतलब खरीदारी किया ना सर मार्केट से, कि सारा पैसा आप रखे हुए अभी नहीं रखा है, कोई नहीं रखता है, ठीक है? तो नेटवर्क इंडस्ट्री में मैं आपको एक ऐसे बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जहां पे आपको हम 1,00,000 प्रोडक्ट देंगे। हेलो, 1,00,000 प्रोडक्ट, और जो काम आज तक आप करते आए हैं वही काम आपको यहाँ करना है, और उस काम को करने के बदले अगर आपने अच्छे तरीके से सिस्टम को समझ के किया तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम भी देंगे आपको। अच्छा, ठीक है। अब मुझको बताइए कि अगर जो काम आज तक आप करते आए, अगर वही काम आपको करके अगर इतना पैसा मिले तो उसको समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? ठीक है, पहला सवाल ये था मेरा। अब मुझको ये बताइए आपके घर में पर मंथ की खर्चा क्या होगा सर? 20-30 होगा। जो जरूरत की चीजें हैं जिसको आप रोक भी नहीं सकते हैं, जिसको करना ही करना है, 10 तो होगा ही होगा मिनिमम। अगर सर 10 आपके घर में खर्च हो रहा है पर मंथ और आपकी उम्र 30 साल है, पर मंथ 10,000 रुपए का मतलब हो गया कि 1 साल में 1,20,000 रुपए। 30 साल में कितना हो गया सर? 30,00,000 रुपए तो ऐसे ही दिख रहा है। हाँ, ठीक है, अगर 1,00,000 रुपए मानिए तो 30,00,000 रुपए तो ऐसे ही दिख रहा है 30 साल। सर जी इस 30,00,000 रुपए को आपने मार्केट में अपने पड़ोस को, अपने नियर डियर को, जहां भी दुकान थी, जहां से भी आप सामान खरीदते थे, उसको आपने व्यापार दे दिया, लेकिन उसके बदले में आज तक उसने आपको एक गुलाब का फूल भी नहीं दिया होगा कि थैंक यू आप हमारे इतने साल से कस्टमर हैं, ठीक है? हाँ, ये, लेकिन पॉइंट की बात क्या है कि अब वही चीज इतने दूर से मैं आपको समझा रहा हूँ, और क्योंकि अब बदलता हुआ दौर है, आज जो दौर है वो क्या है? ऑनलाइन मार्केटिंग का है, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट का है, ई कॉमर्स का है, ठीक है सर? तो आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से जब आपने 1 रुपया भी नहीं लगाया इतना बड़ा आपको ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपको खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है कि आप यहाँ से पा सकते हैं अगर आप सीखने को तैयार हैं, अगर आप लर्निंग करने को तैयार हैं, अगर आप पढ़ने को तैयार हैं, और यही चीज़ अगर लोगों को डुप्लीकेट करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, लोगों को समझाना बताना, और धीरे धीरे इस प्रक्रिया को अगर आप करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप इसमें बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएंगे। एक दिन में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं बनता है, परफेक्शन उसको कंटिन्यू करने से आता है। तो हमेशा आप रिजेक्शन के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब तक आप नो नहीं सुनेंगे तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैंने भी बहुत सारा नो सुना है, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप भी तैयार रहें।